अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर टेस्ट करना सीखेंगे कि ये सही है या नहीं सही। इसमें दो स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको जो है सीरीज वाइंड हम टेस्ट करेंगे। इसकी एक तो वाइंडिंग टेस्ट करेंगे और इसकी बॉडी शॉर्ट भी टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर से भी आप टेस्ट कर सकते हैं और सीरीज बोर्ड से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीरीज बोर्ड में वायर कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तीन पॉइंट है इसके, जो कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग इसमें मौजूद है। हमने तीनों में वाइंडिंग टेस्ट करनी है। इसकी कॉमन के साथ रनिंग वाइंडिंग चेक करेंगे, फिर कॉमन के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग चेक करेंगे, फिर स्टार्टिंग और रनिंग की वाइंडिंग चेक करेंगे। तीनों स्टेप में हमारी वाइंडिंग यहाँ पर लाइट ऑन होनी चाहिए, या मीटर है तो मीटर पर हमें वैल्यू आनी चाहिए, वाइंडिंग सही होनी चाहिए। अगर एक स्टेप में भी वाइंडिंग मिस हो गई तो मतलब हमारा कंप्रेसर डेड है। अगर तीनों में वाइंडिंग आ गई, ठीक है, फिर वाइंडिंग के बाद हम एक एक पॉइंट के साथ टच करके बॉडी को टेस्ट करेंगे, जहाँ से बॉडी शॉर्ट बता सके। जैसे कि यहाँ पर लगा लेंगे और तीनों पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट निकला तो हमारा कंप्रेसर ख़राब होगा। तो चलिए इसकी वाइंडिंग टेस्ट करना हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, इसकी वाइंडिंग को। सीरीज पर मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए ये आप देखेंगे, ओके, ये वाइंडिंग सीरीज हमारा बोर्ड काम कर रहा है और पहले स्टेप में ही ये पहला पॉइंट ही काम नहीं कर रहा। अभी दूसरे के साथ चेक करेंगे। ये देखें, यहाँ पर इसकी कॉमन के साथ एक पॉइंट बन रहा है और कॉमन के साथ दूसरा पॉइंट नहीं बना। तो मतलब एक पॉइंट में अंदर वाइंडिंग जो है वो डेड है। इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो अंदर से क्रॉस है, डेड है। तो कंप्रेसर हमारा पहले स्टेप में ही ख़राब निकला। अभी हम स्टार्टिंग और रनिंग की वाइंडिंग चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग, रनिंग भी इसकी डेड है। तो मतलब एक ही वाइंडिंग इसकी कॉमन के साथ रनिंग वाली सही निकली और बाकी दो इसकी ख़राब है। तो खैर, इसकी शॉर्ट टेस्ट कर लेते हैं। वैसे शॉर्ट अभी नहीं आया, दूसरे के साथ देखते हैं, तीसरे के साथ। तो खैर, शॉर्ट आए या ना आए, पहले स्टेप में ही ख़राब निकला। तो ये दोनों स्टेप इसके सही होंगे तो फिर हम इसे आगे रिले लगा कर या डायरेक्ट चला कर चेक कर पाएंगे। तो पहले स्टेप में ही ये दो स्टेप मैंने आपको बताए, इनमें ही पहले स्टेप में ही ये कंप्रेसर ख़राब निकला। तो इसका मतलब कंप्रेसर डेड है, इसकी वाइंडिंग क्रॉस हो चुकी है। वैसे ये भी रिपेयर हो जाते हैं, आपको जेन्युइन तार भी मिल जाते हैं, इसको कटवा कर आप इसकी मोटर जो है इसकी वो रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।